आप देख रहे हैं एक ऐसा ट्री है जिसको अंग्रेजों ने नाम दिया गार्डियन ऑफ द हार्ट, क्योंकि इसके जो बार्क है वो दिल की बीमारियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और उस हवाले से इसकी जो अर्जुन शाल चाय जो है वो हमको मिलती है मार्केट में, और उसका सेवन बहुत से लोग करते हैं जिनको कोई दिल की बीमारी हो। और ये प्लांट जो है एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करता है जिसको बोलते हैं मायरोवेलन ग्रुप। मायरोवेलन ग्रुप जो है वो उसको बिलोंग करता है जिसमें हरड़ है, बहड़ा है, और हमारा आंवला भी उसी में आता है, मतलब कह लीजिए त्रिफला। तो ये त्रिफला के ही उस ग्रुप समूह में मायरोवेलन करके आता है। लेकिन जब हम एक हरड़ को कहते हैं चेबुलिक मायरोवेलन, और बहड़ा को कहते हैं बेलरिक मायरोवेलन, और आंवला को कहते हैं एम्बलिक मायरोवेलन, तो उसके चलते ये चौथा जो मायरोवेलन है ये है अर्जुनिक मायरोवेलन, क्योंकि इसका हिंदुस्तानी नाम है अर्जुन वृक्ष। और अर्जुन महाभारत का वो जो करैक्टर जो है, जो बलशाली शक्तिशाली अर्जुन थे, उनके नाम से इसका जो नामकरण हुआ है वो इसलिए हुआ है, माना जाता है, ऐसा एक विचार है लोगों का, फोकलोर में ऐसा सोचा जाता है, माना जाता है कि अर्जुन ने जो अपनी धनुष विद्या सीखी वो इसी पेड़ के ट्रंक को, तने को निशाना बना बना के आर्चरी धनुष विद्या में वो माहिर हुए। और आज भी अगर हम एक मैच्योर ट्री को देखते हैं तो इसके तने पर तीरों के निशान आपको दिखाई देते हैं, तो इसलिए भी इसका नाम है अर्जुन। और अर्जुन एक और दूसरे संदर्भ में भी जोड़ा जाता है कि अर्जुन की तरह इसकी जो लकड़ी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, माने आयरन वुड कह लीजिए। और तीसरा जो संदर्भ है वो इसलिए भी है कि वो जो शक्ति है आयरन वुड लाई जो करेक्टर है इसका, वो आपके दिल को भी स्ट्रांग करता है। तो ये एक अर्जुन जो है एक मेडिसिनल ट्री है, और इसको वनस्पति शास्त्र में टर्मिनेलिया अर्जुना नाम से जाना जाता है, और फैमिली जो है कम्ब्रिटेसी फैमिली है। तो इसमें आप देख रहे हो जो लीव्स अपोजिट रहते हैं, और अपोजिट लीव्स रह के इसका एक्सल से जो फ्लोरल स्पाइक्स हैं वो निकली हुई हैं, और ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो इसके मैच्योर फ्रूट्स हैं जो काले हो चुके हैं। तो ये ट्री जो है हमारे जम्मू में कई जगहों पे इसको रोड साइड्स पे इंट्रोड्यूस किया गया है, लगाया गया है, और ये काफ़ी अगर हम जम्मू शहर में पुराने साइंस कॉलेज की बात करें जो हेरिटेज कॉलेज है, तो वहाँ पर भी राजा के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अर्जुन के पेड़ जो है वहाँ पे लगाए हुए हैं, और आज भी आप देखते हैं। और इसकी जो शाल है वो थोड़ी हल्के गुलाबी रंग की होती है, और वो खुद ही उतरती रहती है, एक्सफोलिएट करती है, और उसको भी हम अगर चुन करके जमा करके उसको भी हम हर्बल टी सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ जम्मू रीजन एंड शिवालिक्स।